हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को फिर एक बार क्लास सिक्स सब्जेक्ट जीके यानी जनरल नॉलेज और चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, फ्लाइटलेस बर्ड। क्या लिखा हुआ बच्चों, फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बच्चों। नाम जो लिखा हुआ देखो इसी से स्पष्ट है, फ्लाइट मतलब क्या होता है बच्चों, उड़ना। क्या उड़ना, क्या होता है बच्चों, फ्लाइट मतलब उड़ना होता है। अब बच्चों इसी में एक वर्ड और जुट गया है, क्या, लेस। लेस मतलब होता है जस्ट अपोजिट मीनिंग किसी चीज़ का। मान लो अगर मैं बोलूँ आपको कि आप रेस्टलेस हो, मतलब रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना, लेकिन लेस लग गया इसका मतलब आराम करने वाला नहीं, मतलब जस्ट अपोजिट मीनिंग हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइट लेस, मतलब फ्लाइट मतलब तो उड़ना होता है, लेकिन लेस मतलब नहीं उड़ना, मतलब यानी कि ऐसे वर्ड जो उड़ते नहीं हैं। यहाँ पे देखा जाए न उड़ने वाला, मतलब टोटल मीनिंग अगर देखा जाए यहाँ पे न मतलब नॉट हो गया इंग्लिश में अगर देखा जाए तो, ठीक बच्चों। और ओवरऑल अगर हम मीनिंग बात करें फ्लाइटलेस का, मतलब फ्लाइटलेस का मतलब न उड़ने वाला। क्या बच्चों, न उड़ने वाला, ठीक। और बर्ड का मतलब पक्षी, मतलब आज हम लोग इस चैप्टर में उन बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो उड़ते नहीं हैं, मतलब ज़मीन पे नॉर्मली चलते हैं, उड़ते नहीं हैं, ठीक। उनके पास पंख तो है, मतलब पंख नहीं है, पंख टाइप का ही कुछ है, बट वो उड़ेंगे नहीं, ठीक। तो बच्चों आज हम लोग मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जिनके बारे में पढ़ेंगे जो उड़ते नहीं हैं, मतलब फ्लाइटलेस होते हैं, मतलब उड़ते नहीं हैं, ठीक। तो बच्चों अगर हम बात करें तो आप अपना बुक देख सकते हो यहाँ पर, ये बुक है बच्चों क्या, जनरल नॉलेज यानी कि नॉलेज कार्ड लिखा हुआ है, क्लास सिक्स आप देख सकते हो, ठीक। और चैप्टर नंबर फर्स्ट के बच्चों आप लोग पेज नंबर फाइव खोलो। क्या बच्चों, पेज नंबर फाइव खोलो, ठीक। और चैप्टर का नाम क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक बच्चों। मैं पहले पढ़ रहा हूँ और आपको समझाऊँगा, जो चीज़ें लिखने वाली होंगी मैं इस वाइट बोर्ड पर उसे लिखूँगा, ठीक। तो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप लोग ध्यान से। लिखा हुआ है ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। बच्चों एक वर्ड आया, क्या आया बच्चों, ओस्ट्रिच, एक बर्ड का नाम है ओस्ट्रिच। स्पेलिंग क्या है बच्चों, ओ एस टी आर आई सी एच, ओस्ट्रिच बर्ड है। क्या बच्चों, एक बर्ड का नाम है, क्या, ओस्ट्रिच बर्ड है। तो बोल क्या रहा है बुक में, लिखा क्या गया है, ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब ओस्ट्रिच एक लार्जेस्ट बहुत ही बड़ी बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, मतलब उड़ती नहीं है। इसका मतलब आपको एक बर्ड का नाम और याद हो गया, क्या नाम है उसका, ओस्ट्रिच एक बर्ड है जो कि बहुत ही लार्जेस्ट होता है और वो फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब उड़ती नहीं, ठीक। आगे लिखा हुआ है दो, इट कैन नॉट फ्लाई, मतलब यह उड़ नहीं सकती, वही फ्लाइटलेस मतलब ये क्या होता है बच्चों, कैन नॉट फ्लाई मतलब उड़ नहीं सकती, नॉट फ्लाई। इट कैन रन फास्टर देन द हॉर्सेस, ये किसकी खूबी है बच्चों, ये किससे ज़्यादा तेज दौड़ती है, जब उड़ती नहीं है तो दौड़ती है, तो किससे ज़्यादा, फास्ट रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग देन, किससे, हॉर्सेस से, एच ओ आर एस ई एस, ये हॉर्सेस से मतलब घोड़ों से भी ज़्यादा रनिंग तेज करते हैं, कौन, ये ओस्ट्रिच जो बर्ड होती है, ठीक। आगे लिखा हुआ है इट इज़ द ओनली बर्ड विथ टू टोज ऑन ईच फुट, मतलब यह एक ऐसी बर्ड है जिसके फुट पे यानी पैर जो होता है, ऐसे पैर होता है ना सबका, हम लोग का जैसे पैर है ना, इनके फुट पे दो टोज, टोज मतलब होता है बटो अंगूठा। क्या लिखा हुआ है एक वर्ड यहाँ पे, टोज, टी ओ यू एस, टोज मतलब क्या होता है बच्चों, अंगूठा होता है, क्या होता है, अंगूठा, ठीक। जैसे हमारे हाथ के अंगूठे हैं ना, ये उसी तरह पैर में भी फुट में भी दो अंगूठे होते हैं, उसी तरह उनके भी, किसके, ये जो ओस्ट्रिच बर्ड है, कौन बच्चों, ओस्ट्रिच बर्ड है, इसके भी दो टोज है, मतलब दो अंगूठे हैं, ठीक। आके लिखा हुआ है इट्स एग्स आर द स्मॉल, इट्स एग्स आर द लार्जेस्ट, मतलब जो इनके अंडे होते हैं लार्जेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ही बड़े होते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड सो हार्ड, और बहुत ही हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है, मतलब जो इनके अंडे होते हैं आकार में बड़े भी होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब बहुत ही कठोर स्ट्रांग होता है वो उनका बर्ड। और आगे क्या लिखा हुआ है, डैट
इवन ए चाइल्ड कैन स्टैंड ऑन देम, मतलब ये इतने कठोर होते हैं, इतने सॉलिड होते हैं या फिर इतने स्ट्रांग होते हैं इनके एग कि इस पे एक चाइल्ड भी स्टैंड हो सकता है, मतलब खड़ा हो सकता है, फूटेगा नहीं इनके एग, इतने मजबूत होते हैं। किसके? ओस्टरिच के। किसके बच्चों? ओस्टरिच के। फिर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके बुक में, मैं उसको पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपको कुछ हेल्प दिया हुआ है नीचे, हेल्प मतलब आपको कुछ सहायता लेकर के इनका इनको फुलफिल करना है, मतलब खूब बढ़िया खूब अच्छी तरीके से फिल करना है कि इस बर्ड का नाम क्या है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए, मतलब उसके फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब उनकी खूबियाँ दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं उनकी, मतलब क्या होता है ना, गुण, गुण दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, उसको हम लोग पहचानेंगे उस गुण को, सभी उनके गुणों को, और क्या उनका नाम हम लोग हेल्प लेकर के नीचे लिखा हुआ है, हेल्प जोन मतलब सहायता करने के लिए दिया हुआ है, उसमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना है। ठीक, क्वेश्चंस क्या है बच्चों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चंस है, गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है बच्चों अबाउट वेरियस फ्लाइटलेस, क्या है अबाउट वेरियस फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब कुछ पक्षी जो उड़ते नहीं हैं उनके फीचर्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी दी हुई है, उनको पढ़ करके लिखा हुआ है, फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लोग जो वर्ल्ड है, संसार है, डिफरेंट पार्ट हर अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, फिर लिखा हुआ है आगे, विथ टू टोज ऑन ईच फुट, इनके टोज मतलब सॉरी आगे क्या लिखा हुआ है, रीड देम एंड टिल द नेम्स ऑफ द बर्ड इन द ब्लैंक्स, जो फीचर्स दिया हुआ है, जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, उसे हमको पढ़ के उनके उनके फीचर्स को पढ़ करके उस बर्ड का नाम लिखना है। क्या करना है बच्चों? बर्ड का नाम लिखना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उस बर्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है बच्चों ध्यान से देखते हैं। पहले डैश दिया हुआ, मतलब उस बर्ड का ही नाम फिलअप करना है यहाँ पे, ऐसे डैश दिया हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, स्विम्स, मतलब जो बर्ड्स है वो स्विम्स, या WIMS, स्विम्स मतलब तैरता है, विथ क्या लिखा हुआ बच्चों, विथ इट्स अपने किससे, फ्लिपर FLIPPER, विथ इट्स फ्लिपर लाइक विंग्स, जो इनके पंख हैं वो फ्लिपर की तरह हैं। ठीक है, वो जिससे क्या करते हैं बच्चों, स्विम करते हैं, तैरते हैं। एंड और क्या लिखा हुआ है, एंड यूजेज क्या करते हैं बच्चों, यूजेज इट्स वेव्स, WEBED, वेव्ड मतलब होता है बच्चों झिल्लीदार, इनका जो मतलब पैर फुट्स है, विंग्स है, उसमें पन्नी की तरह कुछ झिल्लीदार नुमा होता है। ठीक, एज रेडर्स क्या है बच्चों, एज RUDDERS रेडर्स। फिर आगे लिखा हुआ है, इट इज फाउंड क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं ये भी बता दिया गया है, इट इज फाउंड इन द अंटार्कटिक, क्या लिखा हुआ बच्चों, ANTAR ANTARCTIC अंटार्कटिक रीजन। बच्चों इसमें इतने चीज़ें बता दी गई है, आप ये जो बर्ड है ना उसका आप बहुत अच्छी तरीके से नाम आप भी जानते हो, अभी मैं जब बताऊंगा, तो पहले आप इनके फीचर्स को पढ़ लीजिए। फीचर्स क्या देखो, मतलब इनके जो ये प्रॉपर्टीज दी हुई है क्या है, कि वो स्विम करते हैं अपने पंखों से, जो मतलब विंग्स हैं उनके, और क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज़ फाउंड इन अंटार्कटिक रीजन। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो बर्ड होते हैं वो पेंगुइन होते हैं। कौन से बर्ड होते हैं बच्चों? पेंगुइन बर्ड होते हैं, जिनका स्पेलिंग क्या है बच्चों, PENGUIN क्या नाम है बच्चों बर्ड का? पेंगुइन। क्या नाम है बर्ड का? पेंगुइन नाम है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? बच्चों आपको फीचर्स को पढ़ना है, क्या करना है, फीचर्स को पढ़ना है, इन सभी फीचर्स को, और इससे पहचानना आपको कि वो कौन सी बर्ड है। हो सकता है आप ना जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके थ्रू आप लोग अब तो जान गए होगे
कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसे बर्ड का नाम बताओ जो अंटार्कटिक में पाया जाता है और वो अपने विंग्स का जो वेडर्स होते हैं, वेबर्स मतलब अपने झीले नुमा जो पैर है उसका उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, वो लोग स्विम करने के लिए मतलब तैरने के लिए, तो आप बता सकते हो कौन सा बर्ड है बच्चों? पेंगुइन है। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, क्या है बच्चों? पेंगुइन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? फिर बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर टू में बच्चों पहले डैश मतलब उस बर्ड का नाम लिखना है। ठीक, फिर लिखा हुआ है हैज फर, हैज फर, एफ यू आर फर लाइक, फर लाइक फीदर्स, एफ ई ए टी एच ई आर एस फीदर्स, डैट डैट हाइड, एच आई डी डैट हाइड, इट्स टी आई एन ओ इट्स टिनी विंग्स मतलब जो इनके विंग्स हैं डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स मतलब जो उनके पंख हैं। ठीक, इट हैज क्या लिखा हुआ आगे? इट हैज हाईली, क्या लिखा हुआ बच्चों? हाईली, एच आई जी एच एल वाई, इट हैज हाईली डेवलप्ड सेंस, क्या होता है बच्चों इनके? डी ई वी ई एल ओ पी ई डी डेवलप्ड, अभी हम समझा रहे हैं पहले लिख रहे हैं डेवलप्ड सेंस, एस ई एम एस ई, क्या लिखा हुआ बच्चों? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल मतलब इनके पास स्मेल करने का सेंस होता है, मतलब कोई भी अगर स्मेल है तो ये लोग क्या कर लेते हैं, दूर से ही पहचान लेते हैं कि हाँ कोई स्मेल आ रही है। ठीक, सेंस ऑफ स्मेल एंड कैन, क्या लिखा हुआ बच्चों? और आगे क्या लिखा हुआ है? एंड कैन स्निफ, एस एन आई डबल एफ, एस एन आई डबल एफ स्निफ, आउट वॉर्म्स, ओ यू टी आउट वॉर्म्स, डब्ल्यू ओ आर एम एस, क्या बच्चों? वॉर्म्स, डैट, क्या लिखा हुआ? डैट आर इन, डैट आर इन द सॉयल, क्या बच्चों? आर इन द सॉयल, मतलब देखो कितना सिंपल सा लिखा हुआ, आप एक एक चीज़ों को समझ सकते हो और उसके बेसिस पे आप उस बर्ड को डिटेक्ट कर सकते हो मतलब पहचान सकते हो। ठीक, लिखा क्या हुआ है बच्चों समझते हैं, लिखा हुआ है वो बर्ड जो है हैज फर लाइक फेदर्स डैट हाइड इट्स टिनी विंग्स, मतलब इनके पास जो फेदर्स है बच्चों इनकी जो मतलब स्किन वगैरह है वो फर लाइक है मतलब फर की तरह है, और कहाँ ये लोग छिपाए रहते हैं? हाइड इट्स टिनी विंग्स, पंखे के नीचे विंग्स के नीचे ये लोग अपने फेदर्स जो फर लाइक स्ट्रक्चर है उसे हाइड किए रहते हैं, छुपाए रहते हैं। और आगे दिया हुआ है इट हैज हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, इनके पास ऐसा आर्गन है मतलब जैसे हमारे पास नोज है, स्किन है, स्किन से हम लोग अपने त्वचा और नोज से हम लोग स्मेल ले लेते हैं ना, चाहे वो बैड स्मेल हो चाहे गुड स्मेल हो जो भी हो, तो इसी तरह इनके पास भी सेंस है ऑफ स्मेल है मतलब स्मेल को सेंस मतलब पहचानने के लिए इनके पास भी आर्गन्स हैं। कैन स्निफ आउट वॉर्म्स डैट आर इन द सॉयल, जो मिट्टियों से मतलब सॉयल से आती हैं। ठीक, तो बच्चों आपके बुक में जो हिंट दिया हुआ है कई पक्षी है, तो इसमें से आपको याद कर लेना है कि इस तरह का अगर कहीं कैरेक्टर्स आया या फिर फीचर्स आया तो उस बर्ड का नाम है कीवी, क्या नाम है बच्चों? स्पेलिंग क्या है? के आई डब्ल्यू आई, क्या है बच्चों? कीवी, क्या नाम है? कीवी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों देखो ये जीके है, जनरल नॉलेज, आप पढ़ोगे तभी जानोगे, आपको नहीं पता रहेगा तो इसमें मतलब नहीं पता है भाई, लेकिन अब तो बता दिया जा रहा है तो इससे इसके बेसिस पे तो आप डिटेक्ट कर सकते हो ना कि यहाँ कोई बर्ड है जो अपने विंग्स के नीचे उन फर लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइड करके रखा है और इनके पास सेंस ऑफ स्मेल है मतलब स्मेल करने की मतलब डिटेक्ट करने का तरीका भी इनके पास है कि कोई स्मेल आ रही है तो, और ये सॉयल में जो है आर इन द सॉयल में वॉर्म्स मतलब बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप उस बर्ड का नाम तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे कि उस बर्ड का नाम क्या बच्चों? कीवी है। क्या है स्पेलिंग? के आई डब्ल्यू आई। ठीक, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। किस क्वेश्चन पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, पहले तो डैश मतलब उस बर्ड का नाम लिखना है, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, फिर आगे लिखा हुआ है इज ए लार्ज, क्या लिखा हुआ है, इज ए एल ए आर जी ई, इज ए लार्ज बर्ड, बी आई आर डी बर्ड, एम ओ एस टी एल वाई मोस्टली फाउंड इन, एफ ओ यू एन डी फाउंड इन, क्या लिखा हुआ बच्चों, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ बच्चों, ए यू एस टी, ए यू एस टी आर ए डबल एल एल आई ए ऑस्ट्रेलिया। एंड न्यू, क्या बच्चों, एंड न्यू गुनिया, क्या लिखा हुआ बच्चों, जी अभी हम समझा रहे हैं, अभी लिख रहे हैं जी यू आई एन ई ए, क्या बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहाँ, न्यू गुनिया में पाया जाता है। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, इट हैज पावरफुल लेग्स, इनके पास क्या होता है बच्चों, इट हैज पावरफुल, इट हैज पावरफुल लेग्स एल ई जी एस, इनके पास पावरफुल लेग्स होता है। और क्या आगे लिखा हुआ बच्चों, इट हैज पावरफुल लेग्स टू रन फास्ट, क्या बच्चों, टू रन फास्ट, ये तेजी से दौड़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड हेलमेट लाइक क्रिस्ट, क्या लिखा हुआ बच्चों, एंड एच ई एल हेलमेट लाइक, क्या हेलमेट लाइक क्रेस्ट सी आर ई एस टी, क्या लिखा हुआ बच्चों, क्रेस्ट रेस्ट आर ई एस टी एस रेस्ट, ऑन इट्स हेड, इनके हेड पे होता, कहाँ होता है बच्चों, ऑन इट्स हेड, ठीक प्लीज स्टॉप। फिर आगे लिखा हुआ है द फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज, द फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज एस पी ई सी आई ई एस, फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज इज बिगर, क्या है बच्चों, इज बी आई डबल जी ई आर बिगर देन मेल, मेल देन मेल, ठीक। एंड ब्राइट इन कलर टू, एंड बी आर आई जी एस टी ब्राइट इन सी ओ एल ओ यू आर कलर टू, मतलब बहुत ज़्यादा टी डबल ओ, स्पेलिंग क्या है बच्चों, टी डबल ओ। तो बच्चों हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद आंसर सर्च करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसका मतलब हम लोग पहले समझते हैं, ये बर्ड के जो फीचर्स दिए हुए हैं, मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं उसे हम लोग समझते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो बर्ड है वो इज ए लार्ज बर्ड मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया, सिंपल सा लिखा हुआ बच्चों, जो बर्ड है वो बता दिया गया है कि कहाँ पे पाया जा रहा है, कहाँ फाउंड किया जाता है, कहाँ पाया जाता है बच्चों, वो बर्ड ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ बच्चों, सिंपल सा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एंड कहाँ, न्यू गिनिया में, कहाँ बच्चों, न्यू गिनिया में पाया जाता है। फिर आगे इनकी जो प्रॉपर्टी मतलब इनके जो गुण हैं वो क्या आगे बता रहा है, इट हैज़ पावरफुल लेग्स, मतलब इनके पास पावर, इनका जो पैर है, लेग्स मतलब क्या होता है बच्चों, पैर, इनका जो पैर है बहुत ही पावरफुल है, वो भी किस लिए, टू रन फास्ट, क्या करने के लिए, तेजी से दौड़ने के लिए, टू रन फास्ट, एंड हेलमेट लाइक क्रिस्ट, और जिस तरह हेलमेट होता उसी तरह क्रिस्ट ऑन इट हेड, जिस तरह हेलमेट हम लोग सर पे लगाते हैं ना उसी तरह हार्ड इनके हेड पे भी क्या होता है, क्रिस्ट होता है, क्या होता है बच्चों, क्रिस्ट होता है। फिर लिखा हुआ है द फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज, मतलब जो ये बर्ड की बात की जा रही है, इस बर्ड का जो फीमेल होता है, दो होते हैं या तो मेल या तो फीमेल, तो लिखा हुआ जो फीमेल होते हैं उस स्पीसीज के फीमेल जो होते हैं इज बिगर देन मेल, मतलब जो फीमेल होती हैं ये किससे बड़ी होती हैं, मेल से बड़ी होती है, मतलब जो पुलिंग है स्त्रीलिंग इनसे बड़ी होती है। एंड ब्राइट इन कलर टू, और जो फीमेल है वो अधिक ब्राइट कलर की होती है, मतलब अधिक चमकदार होती है, बहुत ही गाढ़े रंग की होती है, ब्राइट कलर टू, टी डबल ओ यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, टू टू मतलब होता है बहुत, क्या होता है, टी डबल ओ टू मतलब
बहुत। तो बच्चों हम लोग हेल्प ले करके उस वर्ड का नाम लिखते हैं जो हेल्प आपके बुक में दिया हुआ है, इसका नाम है कैसोवरी। क्या बच्चों स्पेलिंग? कैसोवरी स्पेलिंग है CACASOWARY कैसोवरी। क्या बच्चों स्पेलिंग? कैसोवरी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इतना आप लोग नोट करो, फिर अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ आगे। इतना राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक, क्लीन करते हैं। तो बच्चों हम लोग इस तरह थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एक तो पेंगुइन पढ़ें, एक तो कैसोवरी पढ़ें, एक क्या पढ़ें बच्चों? कीवी पढ़ें। क्या बच्चों, क्या नाम था उसका? कीवी, KIWI। कितना मतलब प्यारा सा नाम है ना, कीवी, KIWI। ठीक, तो हम लोग आज अब जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पहले पढ़ते हैं, मतलब लिखते हैं फिर इसके बाद समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ बच्चों, आइए देखते हैं, लिखा हुआ है पहले डैश लिखा हुआ, मतलब उस पक्षी का नाम क्या करना है आपको, फिल करना है। कैन रन वेरी फास्ट, CAN कैन रन वेरी फास्ट, ठीक बच्चों। कैन रन वेरी फास्ट बाई स्प्रीडिंग, बाई SPREADING, बाई स्प्रीडिंग विंग्स। विंग्स मतलब क्या होता है बच्चों? पंख, ठीक। मतलब ये लोग अपने विंग्स से खूब फास्ट रन करते हैं, जो इनके पंख हैं विंग्स हैं उससे क्या करते हैं, बहुत फास्ट रन करते हैं, उड़ते नहीं हैं रन करते हैं। क्या लिखा हो? बाई स्प्रेडिंग विंग्स आउट लाइक, क्या बच्चों? आउट लाइक द सेल, क्या बच्चों? द सेल ऑफ ए शिप, ऑफ ए शिप, ठीक। आगे लिखा हुआ है इट हैज थ्री टोज, मतलब इनके पास थ्री, कितने बच्चों? थ्री टोज। टोज मतलब क्या होता है? अभी पिछले पढ़े हम लोग, पिछले क्वेश्चंस में पढ़े थे अंगूठा, क्या होता है बच्चों? टोज मतलब अंगूठा। ऑन ईच फुट, ऑन ईच फुट मतलब इनके फुट पे, एक पैर पे थ्री अंगूठा होता है। टोज मतलब क्या होता है बच्चों? अंगूठा। विच अलाउ, जो आगे क्या करता है इनको, मतलब किस में हेल्प करता है? विच, WHICH, विच अलाउ, ALOW, जो क्या अलाउ करता है? इट टू रन, क्या बच्चों? इट टू रन मतलब रन, दौड़ने में फास्टर देन, किससे फास्टर? फास्टर देन, किससे तेज? देन अदर बर्ड्स, और जो बर्ड्स होते हैं उनसे तेज दौड़ने में हेल्प करता है इनका क्या? थ्री जो टोज। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज फाउंड इन कहाँ फाउंड किए जाते हैं बच्चों? इन साउथ अमेरिका, कहाँ बच्चों? SOUTH, साउथ अमेरिका, क्या बच्चों? साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये बर्ड, कहाँ पे बच्चों? साउथ अमेरिका में। तो बच्चों
हम लोग इनके फीचर्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर इनको डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सी पक्षी है या फिर कौन सी बर्ड है। तो सिंपल सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये जो बर्ड है कैन रन वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट रन करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं बाय स्प्रेडिंग विंग्स से, अपने किससे बच्चों, अपने विंग से मतलब पंख से ये लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, मतलब रन वेरी फास्ट, बहुत ही तेज दौड़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ थ्री टोज, इनके पास थ्री टोज हैं, कितने बच्चों, थ्री क्या है, टोज है, मतलब तीन अंगूठे हैं, वो भी कहाँ पे, ऑन ईच फुट, मतलब एक पैर पे तीन, इसका मतलब दो पैर पे छः, एक पैर पे कितने हैं तीन, तो दोनों पैर पे छः हो जाएंगे। फिर आगे ये हेल्प क्या करता है, जो विच मतलब क्या, ये जो थ्री टोज हैं ये किस में हेल्प करते हैं, विच क्या लिखा हुआ है, विच अलाउ, अलाउ मतलब क्या करता है बच्चों, इट टू रन फास्टर देन अदर बर्ड्स, मतलब ये जो इनके थ्री टोज हैं तीन अंगूठे हैं यही अलाउ करते हैं इनको खूब तेज़ी से दौड़ने के लिए, किससे तेज, अदर बर्ड से, क्या लिखा हुआ बच्चों, अदर बर्ड्स। फिर आगे लिखा हुआ है, इट इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका, मतलब ये जो बर्ड है ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, साउथ अमेरिका में, कहाँ पाया जाता है बच्चों, साउथ अमेरिका में। तब आपको अब इस बर्ड के फीचर्स पता चल गए, तो आपके बुक में जो हिंट दिया हुआ है मतलब हेल्प जोन, उसमें से आप सेलेक्ट करके लिखो, तो आपके पास एक दो बर्ड बचे हैं जिसमें से एक कोई सेलेक्ट करना है, एक रहिया आर एच ई है और एक इम्यू। तो बच्चों जो इस बर्ड है वो है रहिया, क्या बर्ड है बच्चों, रहिया, स्पेलिंग क्या है, आर एच ई ए, क्या नाम है बच्चों, रहिया, क्या नाम है, आर एच ई ए, क्या नाम है, रहिया। ठीक बच्चों, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो रहिया बर्ड है ये कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और इनके जो विंग्स होते हैं बहुत ही फास्ट मतलब रन करते हैं, और इनके एक फुट में मतलब एक पैर में थ्री टोज होते हैं, मतलब तीन अंगूठे होते हैं, जिसके हेल्प से ये लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, किससे बहुत तेज़ी से, अदर बर्ड से, मतलब अदर बर्ड से, और सभी पक्षियों की तुलना में ये लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, और पाए कहाँ जाते हैं, साउथ अमेरिका में। तो कौन सा बर्ड है बच्चों, रहिया, कौन सा बर्ड है, रहिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है, किसी को डाउट नहीं ना, आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, पहले लिखा हुआ है डैश, क्या बच्चों, डैश मतलब उस बर्ड का नाम आपको फिलअप करना है। फिर आगे लिखा हुआ है, इज द सेकेंड, क्या बच्चों, इज द एस ई सी ओ एन डी, इज द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड, क्या बच्चों, एल ए आर जी ई एस टी, इज द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड, मतलब ये बहुत बड़ा दूसरे नंबर पे बर्ड है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर का आकार में सबसे लार्जेस्ट है, मतलब शेप में बहुत ही बड़ा है, बाय हाइट मतलब ऊंचाई में, एच ई आई जी एच टी, हाइट की बात किया जाए तो दूसरे नंबर की पक्षी है कौन, अभी हम लोग समझते हैं, आफ्टर ओस्ट्रिच, अभी हम लोग ने पढ़ा ना बच्चों, आफ्टर ओ एस टी आर आई सी एच, हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि एक ओस्ट्रिच बर्ड होती है, क्या बच्चों, ओस्ट्रिच बर्ड होती है जो सबसे लार्जेस्ट होती है, ये फर्स्ट नंबर पे था, इसकी रैंकिंग किस पे थी बच्चों, फर्स्ट नंबर पे। अब हम लोग जो ये फीचर्स पढ़ रहे हैं जिस बर्ड के बारे में, वो किस नंबर पे है बच्चों, सेकंड पे नंबर पे है, लिखा ही हुआ है क्या, बाय हाइट आफ्टर ओस्ट्रिच, मतलब आफ्टर मतलब बाद में, ओस्ट्रिच जो पक्षी है उसके बाद में इसका नंबर है, मतलब सेकेंड नंबर पे है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है इट इज, क्या बच्चों, इट इज सॉफ्ट, एस ओ एफ टी सॉफ्ट, फेदर्ड एफ ई ए टी एच ई आर ई डी सॉफ्ट फेदर्ड, आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, इन कलर सी ओ एल ओ यू आर, ब्राउन कलर के होते हैं, एंड हैज, क्या लिखा हुआ बच्चों, एंड हैज लॉन्ग, एंड हैज
लॉन्ग नेक, इनके पास लंबी गर्दन है, एन ई से की नेक मतलब गर्दन होता है। एंड लेग्स, और इनके पास क्या है बच्चों, लॉन्ग लेग्स भी है, एल ई जी एस। ठीक, आगे लिखा हुआ है इट कैन ट्रेवल, मतलब जो ये पक्षी है इट कैन, टी आर ए वी ई एल, इट कैन ट्रेवल ग्रेट, क्या बच्चों, जी आर ई ए टी, ग्रेट डिस्टेंसेस, डी आई एस टी ए एन सी ई एस, इट कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस, मतलब ये लोग बहुत ही लंबी यात्रा तय करते हैं। ठीक, एंड वेन नेसेसरी, क्या लिखा हो बच्चों, एंड वेन नेसेसरी, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, एंड वेन नेसेसरी कैन स्प्रिंट, क्या लिखा हो बच्चों, कैन स्प्रिंट, एस पी आर आई एन टी, स्प्रिंट एट 50 किलोमीटर पर हावर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 mph मिली। ठीक, इसका मतलब बच्चों समझते हैं, ये जो बर्ड है हाइट में सेकेंड नंबर पे है, किस नंबर पे है बच्चों, सेकेंड नंबर पे है, और क्या लिखा हुआ आगे, इट कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस, मतलब ये लोग बहुत लंबी दूरी तक तय करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं। आगे लिखा भी हुआ एक चीज़, वेन नेसेसरी, अगर इन्हें आवश्यकता पड़े तो, मतलब इन्हें अगर ज़रूरत है और तेज़ी से दौड़ने की, तो ये पक्षी और तेज़ी से भी दौड़ते हैं। वेन नेसेसरी कैन स्प्रिंट एट 50 किलोमीटर पर हावर, मतलब ये लोग 50 किलोमीटर पर हावर के गति से भी रन करते हैं, मतलब दौड़ते हैं। तो बच्चों आपके बुक में जो हेल्प जोन दिया हुआ है उसी के हेल्प से सेलेक्ट करना है। तो लास्ट ही एक बर्ड बचा, जो बर्ड क्या है बच्चों, इमयू, क्या है इमयू, स्पेलिंग क्या है, ई एम यू, क्या नाम है बच्चों, इमयू। तो उसको हम लोगों ने समझा और लिखा। तो बच्चों हम लोग से अगर कोई पूछे, आपके मतलब एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि उस बर्ड का नाम बताओ जो 50 किलोमीटर पर हावर से मतलब वो ट्रेवल कर सकता है, मतलब चल सकता है, मतलब एक घंटा में वो 50 किलोमीटर चलेगा, एक घंटा में कितना, 50 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा, तो उस बर्ड का नाम बताओ। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि कौन सी बर्ड है बच्चों, इमयू, स्पेलिंग क्या है, ई एम यू। नाम तो थोड़ा ख़तरनाक है, डेंजरस है, बट ये बर्ड है बच्चों, आपको लर्न करना होगा, और लर्न कैसे होगा, लिख लिख के आपको पढ़ना होगा, क्या करना होगा बच्चों, लिख लिख के पढ़ना होगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में फोर या फाइव टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा, और एक और ओस्ट्रिच, यानी 6 टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में हम लोग स्टडी किए, और इनके फीचर्स मतलब इनके प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में पढ़े, उसके बेसिस पे हम लोग इन बर्ड को डिटेक्ट किए, क्या किए बच्चों, डिटेक्ट किए, और डिटेक्ट करके उनको हम लोगों ने मतलब समझा और लिखा। तो आपको आज 5 टाइप ऑफ जो बर्ड्स याद हो गए हैं, इनके फीचर्स को भी लर्न कर लेना है। ये नहीं पूछा जाए कोई और बर्ड के बारे में, आप उनका नाम लिखो कोई और बर्ड के बारे में। और खासियत क्या थी इन सभी बर्ड में, फ्लाइट लेस बर्ड थे, मतलब ये लोग उड़ते नहीं, पक्षी तो हैं, जो बर्ड होती हैं बच्चों वो फ्लाइट तो करते हैं, लेकिन जो आज हम लोग बर्ड के बारे में पढ़ा वो क्या करते हैं, उड़ते नहीं हैं, मतलब फ्लाइट लेस बर्ड है। कैसे बर्ड है, फ्लाइट लेस, मतलब कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे देना चाहता हूँ, जिससे आप लोग मतलब इस चीज़ को तैयार करके रखना। तो होमवर्क क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क आपका ये है कि जो आज हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों, आज हम लोग 5 टाइप ऑफ बर्ड पढ़े हैं, क्या बच्चों, 5 टाइप ऑफ बर्ड जो है, जो क्या होते हैं, ये सब फ्लाइट लेस होते हैं, क्या बच्चों, फ्लाइट लेस, मतलब उड़ते नहीं, एफ एल आई जी एच पी, फ्लाइट लेस होते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स को आपको लर्न करना है, मतलब याद करना है, और उसको एक अच्छी तरीके से नोट प्रिपेयर करना है, नोट मतलब अपनी कॉपी में जैसे लिखाया हूँ वैसे ही लिखना है। यही आपका क्या है बच्चों, आज का होमवर्क है, क्या है, आज का होमवर्क है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया बच्चों, ये चैप्टर यहीं तक था,
देखते हैं क्या एक्सरसाइज भी है क्या, तो देखते हैं। नहीं, आपके बुक में जीके में कोई एक्सरसाइज नहीं है, यही एक्सरसाइज था जो हम लोगों ने आज खुद अपने मन से पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क को मस्त से करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो आपकी बुक में एक साइड में देख सकते हो फैक्ट कॉर्नर दिया हुआ है यहाँ पे, क्या बच्चों, फैक्ट कॉर्नर मतलब क्या होता है, कुछ मैटर्स, कुछ चीज़ें जो एकदम ट्रुथ मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, फैक्ट होती हैं, सत्य होती हैं, वो चीज़ें आपकी बुक में दिया हुआ है, उसे भी आप लोग याद करोगे और लिख लोगे साइड में नोट में। मैं पढ़ दे रहा हूँ, ऐसे लिखा क्या हुआ है, एम्परर पेंगुइन्स आर द लार्जेस्ट। जो पेंगुइन एक बर्ड है ना बच्चों, आज हम लोग पढ़े ना, पेंगुइन एक बर्ड है, वो लार्जेस्ट एंड लिटिल ब्लू पेंगुइन्स, और जो होते हैं छोटे होते हैं वो ब्लू कलर के कौन से होते हैं, पेंगुइन्स आर द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ पेंगुइन्स। मतलब जो स्मॉलेस्ट मतलब जो ब्लू कलर का पेंगुइन्स होता है वो स्मॉलेस्ट स्पीसीज में आता है, किसके, पेंगुइन में, और जो बड़ा होता है वो क्या बच्चों, एम्परर पेंगुइन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसे बच्चों, एम्परर पेंगुइन्स। तो आप लोग इस फैक्ट को पढ़ोगे भी, मैं दिखा दिया हूँ यहाँ, देख सकते हो फैक्ट कॉर्नर लिखा हुआ है, ठीक, इसको आप पढ़ोगे भी और इसको भी साइड में राइट डाउन कर लोगे, ताकि आप लोगों को ये यूनिवर्सल ट्रुथ या जो फैक्ट दिया हुआ है उसे आपको याद हो जाए, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।